हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम को कंप्लीट किया था, और आज हम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मेन कोर्स बुक के 4 चैप्टर्स कर लिए। लेसन 1 द हैप्पी प्रिंस, लेसन 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस, लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड लेसन 4 द गिफ्ट फॉर क्रिसमस। इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक 4 चैप्टर्स नहीं किए वो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर्स की इंग्लिश प्रोज सेक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। जो ये पोएम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इनके जो कवि हैं, पोएट हैं, वो कौन है, वो मतलब ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सर हेनरी वूटन। जो सर हेनरी वूटन हैं उन्होंने ये कविता लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन है, वट इज़ द आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन। जो आर्मर है हैप्पी मैन, यानी कि जो एक खुश सुखी व्यक्ति है उसका कवच क्या है? तो इसका आंसर है हिज ऑनेस्ट थॉट्स। जो एक सुखी व्यक्ति है उसके कवच हैं उसके ईमानदारी भरे विचार। उसे किसी भी कवच की ज़रूरत नहीं होती है, उसके जो ईमानदारी विचार होते हैं, ईमानदारी भरे जो उसके व्यूज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, वही उसके आर्मर होते हैं, कवच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ अ हैप्पी पर्सन नॉट केयर अबाउट। जो सही में व्यक्ति खुश होता है उसे किस बारे में चिंता नहीं होती है, किस बारे में केयर नहीं होती है? तो इसका आंसर है वर्ल्डली फेम और पीपल्स ओपिनियन। ये जो संसारिक प्रसिद्धि है, लोगों के बीच प्रसिद्ध होना, लोगों के बीच फेमस होना, लोगों संसार के बीच फेमस होना, या लोगों के उसके प्रति क्या विचार हैं, लोगों के एक खुश व्यक्ति के प्रति क्या राय है, इसके बारे में खुश व्यक्ति को, हैप्पी पर्सन को कोई चिंता नहीं होती है। वो इन सभी चीज़ों से, जो इन सभी बंधनों से वो मुक्त होता है, वो फ्री होता है इन सभी चीज़ों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ ट्रूली हैप्पी मैन कंटेंट विद। जो एक सच्चा खुश व्यक्ति है वो किस चीज़ से संतुष्ट होता है? तो इसका आंसर है विद वट एवर लिटल ही हैज़। जो एक खुश व्यक्ति होता है वो इन सभी, उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो चीज़ें उसके पास हैं, जो भी उसके पास थोड़ा वो होता है, वो उसी से वो संतुष्ट होता है। यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी कमाई है, घर है, पैसा है, जो भी उसके पास है, वो अगर उसी से संतुष्ट हो जाता है तो वो व्यक्ति संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कहा जाता है, सबसे सुखी व्यक्ति होता भी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू अ रिलीजियस बुक एंड अ ट्रू फ्रेंड हेल्प अस। कैसे एक धार्मिक पुस्तक और एक सच्चा मित्र हमारी मदद करता है या हेल्प करता है? तो इसका आंसर है दे स्टैंड बाय अस इन लोनलीनेस। जो एक रिलीजियस बुक होती है और एक सच्चा मित्र होता है, वो हमारी तब मदद करता है जब हम लोनलीनेस हो, यानी अकेलेपन में हो, तन्हाई में हो। तो ये जो रिलीजियस बुक है और ट्रू फ्रेंड है, ये हमारे साथ खड़े होते हैं साथ में।
क्वेश्चन नंबर 6, द व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन दिस पोएम। जो पोएट है वो इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं, जो कवि हैं वो इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड बी ऑनेस्ट इन अवर थॉट्स इफ वी वांट टू बी हैप्पी। जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने विचारों में ऑनेस्ट होना चाहिए। वी शुड बी फ्री फ्रॉम जेलस, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, हमें जेलसी से फ्री होना चाहिए। वी शुड नॉट बी स्लेव्स टू पैशन, हमें जो पैशंस हैं जो जुनून हैं उनका गुलाम नहीं होना चाहिए, उनका स्लेव नहीं होना चाहिए। वी शुड बी सेटिस्फाइड विद वट वी हैव, हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। यानी कि जो एक पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो एक हैप्पी मैन है वो खुश रह सकता है, या एक व्यक्ति अगर खुश रहना चाहता है तो वह इन तरीकों को अपना सकता है। यानी कि वो अपने थॉट्स को ईमानदार कर सकता है, ओके, और वो अपने जेलसी नहीं कर ना करे किसी से, वो पैशंस का स्लेव ना हो, और वो जो भी उसके पास है उसे वो सेटिस्फाई रहे। ये जो पॉइंट है वो इस पोएम में कहना चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल मेन आइडिया ऑफ द पोएम। जो पोएम का सेंटर या मेन आइडिया क्या है उसको लिखना है, और राइट अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। यह जो ये कविता है इसका क्या सार निकला है, क्या समरी है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका आंसर है दिस पोएम रियली गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी पर्सन लाइफ। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही अभी ही बताया है कि कैसे एक हैप्पी पर्सन है, कैसे खुश व्यक्ति का क्या रहस्य है, वो इस कविता में बताया गया है। सच ए पर्सन लिव्स एन ऑनेस्ट लाइफ, जो एक खुशी व्यक्ति होता है वो अपनी ज़िंदगी में एक ईमानदारी व्यक्ति के तौर पर अपने जो इसके विचार हैं वो उसके ईमानदारी के होते हैं, वो ऐसे ही अपनी लाइफ को जीता है। ही इज़ नॉट जेलस ऑफ एनीवन, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से जेलस नहीं करता है। ही फॉलो द रूल्स ऑफ मोरलिटी, जो एक खुश व्यक्ति होता है वो मोरलिटी के जो नियम होते हैं उसको फॉलो करता है, जो सदाचारी नैतिकता के नियम होते हैं उन पर जो फॉलो करता है। ही इज़ नॉट अ स्लेव टू पैशन, वो जो पैशन होते हैं जुनून होते हैं उनका गुलाम नहीं होता है। ही डज नॉट रन आफ्टर वर्ल्डली फेम और फॉर्च्यून, जो हैप्पी मैन होता है वो सांसारिक प्रसिद्धि और जो धन दौलत होती है, फॉर्च्यून होती है, उसके पीछे नहीं भागता है। ही प्रेज टू गॉड रेगुलरली, जो एक खुश व्यक्ति होता है वो भगवान की रोज प्रार्थना करता है, भगवान की याद में बैठता है। ही इज़ कंटेंट विद वट एवर इट इज़, जो भी उसके पास है उसी से वो संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाई रहता है। ही फॉलोज द पाथ ऑफ गुडनेस, वो अच्छाई के मार्ग को फॉलो करता है, अच्छाई के मार्ग पर चलता है। यानी कि जो एक हैप्पी मैन है वो कैसे खुश रहता है, इन तरीकों को अपनाता है। अगर आपको भी खुश रहना है तो आप ऑनेस्ट लाइफ को जिए, किसी से ईर्ष्या ना करें, मोरलिटी के राह पर चलें, पाथ को फॉलो करें, पैशन के स्लेव ना बने, और जो ये संसारिक प्रसिद्धि है या जो फॉर्चून उसके पीछे ना भागे, भगवान की रोज परमात्मा की रोज याद में बैठे, उनकी प्रे करें रोज, जो भी आपके पास कुछ है इन सभी से संतुष्ट रहें, गुडनेस के पाथ पर को आप फॉलो कीजिए, इन सभी तरीकों से आप खुश रह सकते हो, इन सभी चीज़ों से आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति, सबसे खुश व्यक्ति बन सकते हो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो ये जो पोएट हैं उनमें उन्होंने सभी पोएम सारी पोएम में यही बात की है। तो आप अगर पोएम को अच्छे तरह से समझ लोगे तो आपको क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं सभी इंटररिलेट कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं मोल्ड किए हुए हैं,
और सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हमें कहीं ना कहीं सेम मिल रहे हैं, यानी कि जो ऑनेस्ट लाइफ है, वर्ल्डली फेम है, जो सेटिस्फाई है अपने जीवन में, ये जो है ना क्वेश्चन के जो आंसर है सेम है, और थोड़े सी इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी अलग है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइंस, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं इनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो लाइंस क्या हैं, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एक सुखी व्यक्ति का कवच उसके ईमानदारी विचार होते हैं और उसमें जो अत्यंत कौशल होता है वो उसकी सिंपल ट्रूथ होती है, यानी कि उसकी सरल सादी सच्चाई, इन एक चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द वन हु रियली वॉन्ट्स टू बी हैप्पी इन इज ऑनेस्ट इन हिज थॉट्स। अगर आपको या किसी और को भी, व्यक्ति को, द वन यानी कि किसी को भी खुश रहना है तो अपने विचारों को ईमानदार करो, यानी कि अपने विचारों में आपको ईमानदार होना चाहिए। ही डज नॉट नीड एनी आर्मर टू डिफेंड हिमसेल्फ, जो एक खुश व्यक्ति होता है उसे किसी कवच की ज़रूरत नहीं होती है खुद को सुरक्षित करने के लिए, खुद को बचाने के लिए। His honest thoughts are his best defense, उसकी रक्षा के लिए उसके जो ईमानदार विचार हैं वो ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा है, वो ही उसको हर चीज़ में, हर फील्ड में उसकी सुरक्षा करते हैं। He does not need to learn any skill, उसे किसी स्किल को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी स्किल को, गुण को सीखने की ज़रूरत नहीं है। His true simplicity is his best skill, जो उसकी सरल सच्चाई है, सादी सच्ची सच्चाई है, सादगी है, वही उसके बेस्ट स्किल है, अत्यंत कौशल है, गुण है। अगर आपको पास कोई कवच नहीं है आपको बचाने के लिए, तो आपके जो आपके ऑनेस्ट थॉट्स हैं, ईमानदार विचार हैं, वही आपको हर जगह सुरक्षित करेंगे। अगर आप में कोई स्किल नहीं है तो किसी स्किल को सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो सच्चाई है वही आपकी सबसे बड़ी स्किल है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सभी समझ आ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, हाउ डज अ मैन बिकम रियली हैप्पी, कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक मैन वास्तव में खुश बन सकता है। तो इसका आंसर है अ मैन कैन बी ट्रूली हैप्पी बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ गुडनेस, एक व्यक्ति अगर जो लॉज ऑफ गुडनेस यानी कि जो अच्छाई के रूल्स हैं, जो अच्छाई के जो लॉज हैं उनको फॉलो करे तो वो एक अच्छा खुश व्यक्ति बन सकता है। ही नोज नो जेलसी, उसे ईर्ष्या के बारे में, जेलसी के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उसके बारे में कुछ ना पता हो। ही इज़ ऑनेस्ट इन हिज व्यूज़, वो अपने विचारों में, थॉट्स में ईमानदार होना चाहिए। ही इज़ नॉट अ स्लेव टू पैशन, वो जो जुनून है, पैशन है, उनका गुलाम ना हो। ही इज़ कंटेंट विद वट एवर इट इज़, जो भी उसके पास है उसमें वो सेटिस्फाई हो, यानी कि ये जो तरीके हैं इन तरीकों से एक व्यक्ति खुश बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज अ रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड गिव हैप्पीनेस, जो एक धार्मिक पुस्तक है और एक सच्चा मित्र है, ये जो दोनों हैं हमें खुशी कैसे देते हैं। तो इसका आंसर है अ रिलीजियस बुक इज़ लाइक अ फ्रेंड, जो एक धार्मिक पुस्तक होती है वो एक मित्र की तरह होती हैं, फ्रेंड की तरह होती है। एंड अ फ्रेंड इज़ लाइक अ रिलीजियस बुक, और एक जो सच्चा मित्र होता है वो एक धार्मिक पुस्तक की तरह होता है। बोथ ऑफ देम कीप अस ऑन द राइट ट्रैक, ये दोनों ही हमें राइट ट्रैक यानी कि सही मार्ग में रखते हैं, सही मार्ग में चलने में हमारी मदद करते हैं।
दे स्टैंड विद अस इन अवर लोनलीनेस, ये दोनों ही यानी कि रिलीजियस बुक और एक ट्रू फ्रेंड, ये दोनों ही हमारे साथ जब हम अकेलेपन में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, ये दोनों ही हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा साथ देते हैं। दे गिव अस द प्योरेस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, ये हमें एक प्योरेस्ट यानी कि पवित्र से भी पवित्र हमें खुशी देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमारा टाइम ख़राब चल रहा होता है या जब हम दुखी होते हैं, तो कोई ही व्यक्ति होगा जो हमारा साथ देता है। जो व्यक्ति आपका दुख में साथ देता है, वही आपका ट्रू फ्रेंड होता है, या एक रिलीजियस बुक होती है जो आपका दुख के समय में, अकेलेपन में आपका साथ देती है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज अ कंटेंटेड मैन हैव ऑल विदाउट हैव नथिंग, कैसे एक संतुष्ट व्यक्ति है उसके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। तो इसका आंसर है, अ सेटिस्फाइड पर्सन हैज नाइदर होप ऑफ राइजिंग नॉर फियर ऑफ फॉलिंग, जो एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, ना तो उसे उठने की उम्मीद होती है और ना ही उसे गिरने का कोई डर होता है। He remains satisfied with whatever he is, जो भी उसके पास है वो उसी से संतुष्ट है, उसी से सेटिस्फाई है। He may not be the lord of the land, but he is the lord of his desires, भले ही वो जमीन जायदादों का लॉर्ड नहीं है, स्वामी नहीं है, पर वो खुद की इच्छाओं का मालिक है, स्वामी है। Thus he becomes a lord of all, though he can have nothing, इसी तरह से वो सबका स्वामी है, सबका मालिक है, बहुत है उसके पास, तो he can have nothing, उसके पास ना होते हुए भी इस तरह से बहुत कुछ है, क्योंकि वो खुद का स्वामी है, खुद की इच्छाओं का स्वामी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ और करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन को कंप्लीट कर लिया था, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चाहो तो मुझे ईमेल आईडी पर भी बता सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी स्क्रीन पर मेंशन की है, khyatisethi999@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, sadguruinstitute999। आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, कीप वॉचिंग सद्गुरु इंस्टीट्यूट।